तो मनी इन द बैंक 2022 इसी हफ्ते होने वाला है और अब सभी मैचेस के लिए बेटिंग ऑड सामने आ चुके हैं। और इस साल मनी इन द बैंक 2022 में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच है मेंस लैडर मैच, क्योंकि इस मैच में अभी तक फाइनल सुपरस्टार डिसाइड नहीं हुए हैं। और अगर आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वो सुपरस्टार अनाउंस नहीं होते हैं तो फिर मनी इन द बैंक 2022 देखने में और मजा आएगा, क्योंकि फिर कोई सुपरस्टार रिटर्न आकर इस साल के मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच को ज्वाइन करेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच दरौडी रोंडा रोजी और नेटालिया के बीच होने जा रहा है। और वैसे नेटालिया ने बोला है कि वो पहली फीमेल सुपरस्टार बनेंगी WWE में जो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा रोजी को टैप आउट करवाएंगी। लेकिन इस मैच में बेटिंग ऑड्स के हिसाब से रोंडा रोजी जीत कर उनकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगी। और बियांका ब्लेयर का मैच होने जा रहा है कार्मेला के साथ और ये मैच रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए हो रहा है। और बेटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच में बियांका ब्लेयर जीत कर उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप फिर से रिटेन कर लेंगी। चलिए अब बात करते हैं वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के बारे में, जिसमें इस साल कम्पीट कर रही हैं बेकी लिंच, एलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन, रकेल, लेसी वांस, आस्का और शॉटसी। और पहले इस मैच में फेवरेट थी लेसी वांस, लेकिन जब से बेकी लिंच इस मैच में ऐड हुई हैं, बेटिंग ऑड्स के हिसाब से सबसे ज्यादा फेवरेट इस मैच में जीतने के लिए द मैन बेकी लिंच है। वैसे आप लोग इस साल का वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच कौन सी फीमेल सुपरस्टार को जीतते हुए देखना चाहोगे, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच होने जा रहा है चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी और चैलेंजर लैशली के बीच में। और मैंने कुछ दिन पहले इस मैच के लिए अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि लैशली जीत कर नए चैंपियन बन जाएंगे, पर अब बेटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी जीत कर उनकी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। वैसे इस मैच में जॉन सीना भी आ सकते हैं इंटरफेयर करने के लिए, ताकि ऑस्टिन थ्योरी और सीना का मैच समरस्लैम 2022 में फिक्स हो सके। तो अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस द उसोज उनकी चैंपियनशिप डिफेंड करने जा रहे हैं स्ट्रीट प्रॉफिट से। और क्योंकि उसोज ने अभी हाल में ही टैग टीम टाइटल्स को यूनिफाई किया है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उसोज इस मैच में नहीं हारने वाले। और अब बेटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच में फेवरेट द उसोज हैं जीतने के लिए। चलिए अब बात करते हैं साल 2022 के मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के बारे में। तो इस मैच में जो 6 सुपरस्टार्स के नाम अभी कंफर्म हो चुके हैं वो हैं रिडल, सेथ रॉलिंग्स, ड्रू मैकइंटायर, ओमास, शेमस और सैमी ज़ेन। और इस मैच में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सैमी ज़ेन है, क्योंकि सैमी ज़ेन पहले ऐसे सुपरस्टार बनेंगे जो कि मनी इन द बैंक खुद के लिए नहीं बल्कि चैंपियन के लिए जीतना चाहते हैं। क्योंकि सैमी ने ऐसा बोला है कि वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतकर रोमन के पास ये कॉन्ट्रैक्ट सरेंडर कर देंगे और रोमन को बोलेंगे उनका कैश इन फेल करने के लिए, पर इस चीज के होने के चांसेस बहुत ही कम है। और इस मैच में एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैंने स्टार्टिंग में भी की थी कि अभी बस कुछ ही दिन बच गए हैं मनी इन द बैंक में, लेकिन अभी भी इस मैच में फाइनल सुपरस्टार अनाउंस नहीं हुआ है। और अगर मनी इन द बैंक तक इस मैच में फाइनल सुपरस्टार अनाउंस नहीं होता है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो नाम हैं जो कि रिटर्न आकर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत सकते हैं, द फिंड ब्रे वाइट या फिर द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स। वैसे फिलहाल इस मैच में फेवरेट हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जो इस साल का मनी इन द बैंक जीत सकते हैं। वैसे आप लोग मेंस मनी इन द बैंक मैच में किसे जीतते हुए देखना चाहोगे, कमेंट करके बताएं। और इस साल मनी इन द बैंक इंडिया में संडे 3 जुलाई की सुबह 5:30 बजे से सोनी 10 और सोनी 10 देगा। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।